जी सर। लो जी अज असी सारी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दी लुधियाणे दी लीडरशिप है साह हीरा सिंह जी गाबड़िया दी अगवाई च इत्थे इकट्ठे होके असी अज जिहड़ा बहुत ही शर्मिंदगी दा मुकाम है जिहदे करके अज तुहाडे कोल आए हैं कि जिहड़े लोकां नूं इंसाफ दिवाउण दी गल कर रहे सीगे ते पार्टी का नाम ही लोक इंसाफ पार्टी रखिया अज वह एक विक्टम नूं इंसाफ नहीं दवा सके ते अफसोस ये है कि उहदे विच जवाब की दे रहे हैं कि राजनीतिक चाल है दसना पऊ उहनां नूं कि कहड़ी राजनीति की चाल है कि वह मैडम का राजनीतिक रोल की है कि जिहड़ी वह मैडम सच बोल रही है जे तो सच बोलना राजनीति है तो फिर मैं कहना समझ जरूर समझदा कि वह बीबी जी शायद राजनीति कर रहे हो। सब तो वड्डा दुखांत अज यह है कि ये जेड़े सिपाही नूं 10 रुपए फड़ा के उहदी वीडियो करके वीडियो वायरल करते हैं। मैं सरदार सिमरजीत सिंह बैंस नूं यह कहना चाहुंदा है कि सरदार सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़ी वह मैडम ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की है जिहदे विच उहने यह दुहाई दित्ती है कि जे मैनू इंस्टीट्यूशनज इंसाफ देण तो फेल हो जाएंगे तो मैं उदू बाद सुइसाइड कमिट कर लूँगी। वो भी वीडियो जरा अपने तुसी सोशल मीडिया से वायरल करो ताकि लोगों को पता तो लगे कि तुसी कित्थे खड़े हो। देखो मैं समझदा कि अज तो कुछ देर पहला बलविंदर सिंह एक DSP ने उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की सी जिदे विच इन्हां दे ते उन्हां वल्लों दोष आयत किया गया सीगा कि यह रेप दे केस विच भी इनवॉल्व सीगे। उदों इन्हां दे सपोर्टरां ने भी ते किसे ने उस मामले नूं बहुता नहीं उठाया कि वह बड़ी देर बाद गल चक्की गई सी। पर अज जो व्यक्ति इस गल दा इन्हां वल्लों कीती ज़्यादती दा एक औरत दे मान सन्मान नाल ज़्यादती करन दा केस है उहदे विच मैं एक गल समझदा कि बैंस दे अगेंस्ट पुलिस नूं केस इमीजिएटली रजिस्टर करना चाहिए क्योंकि बहुत वड्डी एक चीज़ इहदे चों ओपन होकर निकली है। आम आदमी पार्टी जिहड़ी बड़ी सिधांतक पार्टी कहाउंदी है ते जिहड़ी कहिंदी है कि सब तों वध कोई साफ सुथरा राजनीति नहीं करदा जिहड़े 2017 दी इलैक्शन विच सिमरजीत सिंह बैंस की पार्टी के सहयोगी सी 6 सीटा इन्हों को बाकी उन्होंने भी मैं सवाल करता कि अज आप चुप क्यों धारी है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू इन्हों के आखे लुधियाने हर काम करते सी। लुधियाने सिद्धू साहब ने जिन्ने काम किए भावें वह फास्टवे की बिल्डिंग ढाण की गल की सारी इन्हों के कहने की अज सवाल यह भी उठता कि सरदार नवजोत सिंह भी बड़ी सिधांती राजनीति करते भी चुप क्यों बैठे है। चलो ये गल सारियां कोल जग जाहर है कि कांग्रेस की जिहड़ी लुधियाने की लीडरशिप है भारत भूषण जी आशू वो तो घ्यो खिचड़ी ने क्योंकि ना तो इन्होंने आशू के उल्ट कोई बयान दिता कोई कि वह किन्ने घपले कर गया ना इन्होंने आशू के उल्ट कतल वाले केस बयान दिता कोई नहीं दिता क्योंकि रले हुए ने एक दूजे को सप्लीमेंट कर रहे ने एक दूजे को ढक रहे ने। पर अज कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी नूं इस गल दा लोकां दी कचहरी विच जवाब देना पऊ कि जे पंजाब विच धीआं भैणां दी इज्जत ऐ रोली जाऊ उह सरकारां चुप करके क्यों बैठणगियां। मैं एक गल जरूर कह देनी चाहुंदा असीं 3 दिन उड़ीकिया श्रोमणी अकाली दल ने कोई कार्रवाई नहीं कीती न्यूज़ आ गई अज तो 2 दिन पहला रात नूं 10 बजे यह सर्कुलेट हो गई सी न्यूज़ कि 16-11 की कंप्लेंट है अज 18 दिन 2 दिन असी चुप रहे कि एक कॉगनीजेबल ऑफेंस है। एक कॉगनीजेबल ऑफेंस में सुप्रीम कोर्ट की क्लीयर जजमेंट है कहिंदे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट बनती है उस पुलिस अफसर से जिहड़ा कॉगनीजेबल ऑफेंस दे विच परचा रजिस्टर तो इनकार करे। पर अफसोस एक क्लीन चिटां की सरकार ने एडे वड्डे गुनाह विच भी अज चुप धारी हुई है। सो मैं इक्को गल कहनी चाहुंदा इत्थे कि पंजाब इस गल नूं कदे परवाह नहीं करूँ।
पंजाब वो धरती है जिथे मुगलों दिया मुगल इतों बीबियां ले जाते रहे उन्हां दी इज्जत बचाउण पिछे पंजाबियों ने पंथ ने कुरबानियां कीतियां। ते अज जे लुधियाणे विच इक राजनीतिक शक्ति अख्तियार करन तों बाद कोई व्यक्ति विशेष वो जिड्डा मर्जी वड्डा होवे भावें सिमरजीत सिंह बैंस तो भी वड्डा होवे ओ इस कानून के दायरे चो श्रोमणी अकाली दल कदे नहीं निकलन दे। इस केस के तत्थ सारी इन डेप्थ इन डिटेल हरीश जी नूं पता है। हरीश जी हुण तुहाडे नाल सारियां साझियां गाबड़िया साहब तो फिर वाइंड अप कर दे नहीं पहला बोल चलो पहला कर बड़े हैं। मेरा तो पहला जो गरेवाल साहब ने दसिया ये तो कहानी होंदी आ। मैं पिछोकड़ की कहानी दसदा। ये हाली शादीशुदा नहीं जदों एक लड़की लैके गया सीगा ते फीएट गड्डी सी शिमले दे उरले बन्ने उलट गई दरख्तां नाल टरा गई। मैं इहनू छड़ा के लैके आया सी उत्थों। ये अज दी गल दी एक लड़की नाल थोड़ा संबंध सी इहदे। और ये है की सीगा सूका स्कूलां दीआं फीसां मैं दिंदा रहा इहनां दीआं। आ वड्डा जिहड़ा बलविंदर सिंह मेरी गड्डी चलाउंदा हुंदा सी ये सिमर नूं मैं हाकम सौं दे जिहड़ा साबका मेयर आ उहदे पट्ठे ते मैं लवाया। रोटी नहीं चलदी काम बिल्कुल डेड सीगा। सदा मोहन सिंह इन्हां दे पिता जी नौकरी करदे हुंदे सीगे फैक्टरी दे विच। ते अज अरबा खरबा पति कित्थों बन गए लोकां नूं इमानदार कहिंदे असीं इमानदार हाँ। लुधियाणे दे विच किन्ने इंडस्ट्रीलिस्ट ने उन्हां किसे नूं पुछ के वेख लो भी इन्नी चढ़ाई किहदी हो गई। फिर जिन्ने अत्तवादी सी सारे इन्हां दे घरे ठहरदे सीगे और उन्हां दा रुपया भी इन्हां दे घरे ठहरदा रहा। फिर म्यूनसिपल कारपोरेशन दे विच कांग्रेस नाल समझौता करके इह बलविंदर सिंह बैंस ने 50 लाख रुपया लिया। और इह जिहड़े बंदे आ इह किते अज दे नहीं गे, इह डाकू ने। इह लोक इंसाफ पार्टी बनाई बैठे आ। लोकां दा इंसाफ की इह आ? इह तां लोकां नाल बेइंसाफी कर रहे ने। इंसाफ दी गल कित्थे आ? इह तां लुटेरे ने, लोकां दे प्लाटां दे कब्जे करने, हेराफेरियां करनियां, ब्लैकमेल करना लोगों ब्लैकमेल करके उन्होंने तो पैसे लेने। म्यूनसिपल कारपोरेशन अज भी इनकुआरी हो जाए सी जून की तो अरबा रुपया निकलूगा। जोड़ा 500 गज का प्लाट से उत्थे करके तो 100 गज का प्लाट किया कंप्यूटर के सारी इनकुआरी तो होवे कि पता लगे कि करते की रहे ने। ये अपनी जितली केवल अपनी जितली वेंदे आ कि पार्टी हुण मेरी साड़ी सपोर्ट कर सकती आ। कभी कांग्रेस चले जाते ने कि इन्होंने महाराणी पटियाले तो सपोर्ट नहीं लई, उहदे नाल नहीं रहे, सिमरजीत सिंह मान नाल नहीं रहे, श्रोमणी अकाली दल विच आए। इन्हां वफादारी किहने कीती आ? किहदे नाल? इन्हां किसे नाल वफादारी नहीं कीती। लोकां नाल भी वफादारी नहीं कीती जिन्हां तों वोटां लईआं। कितें एक इट नहीं लाई दो हलकियां दे विच जा के देख लो कितें एक इट। और ये बंदे जड़े आ ये विश्वासघात आ। और मैं समझदा कि सब तो वड्डे जे सब तो वड्डे लभने पैणगे तो लटेरे आ जिहड़े कहिंदे असीं इंसाफ पसंद आ। इन्ना रुपया कित्थों आया दसण तां सही? एडिया एडिया कोठियां कित्थों बन गया? 150 गज का प्लाट मकान सी इन्हां दा। एक मझ हुंदी सी जिहड़ी चारण वास्ते जांदी सी इहदां दी माता जी गलियां दे विच उत्थे खेतां दे विच। इहनां कोल है की सीगा? तो इस करके मैं समझना कि इन्हों का कितने ना कि देर है अंधेर नहीं कितने ना कि पर्दा जरा उखल जाता भी इन्होंने पिछले समय च की सी ते हुण की ने। तो इस करके इन की इनकुआरी CBI तो होनी चाहिए आ। सारी डिटेल पुछनी चाहिए आ कि 1992 की सीगे 1991 की सी ते उस तो बाद एड्डी जल्दी इन्नी तरक्की कित्थों की इन्होंने। यदा जरूर इनकुआरी होनी चाहिए। मैं CBI तो इनकुआरी की मंग करदा। एक सैकंड सवाल बाद कर लेना पहले हरीश जी सारा दस दें फैक्ट्स फिर सवाल कर नहीं नाल दे बाद कर लेना कोई नहीं। ये लेडी दी कंप्लेंट हुन पब्लिक डोमेन च है सारियां नूं पता है। सिर्फ ते सिर्फ जिथे चीटिंग दे केस होन फोर्जरी दे केस होन उहदे विच सुप्रीम कोर्ट दीआं जजमेंट्स है कि केस रजिस्टर करन तों पहलां पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। वरना
जो डिस्कलोज ऑफेंस होंदा उहदा केस रजिस्टर करना लाजमी है। जिथे तक हर्ट केस है, मर्डर केस है, 307 का केस है, रेप का केस है, जो क्लीयर स्पैल आउट विद इंस्टांसिस किया होया, अज तक पुलिस हर केस सीधा रजिस्टर करती है। अनफॉर्चुनेट है कि कांग्रेस सरकार की प्रोटेक्शन च इहदे ते केस रजिस्टर नहीं किया जा रहा। यह आशू नाल घ्यो खिचड़ी की गल की है, कल्ला यही नहीं है, ये हर पासे हाथ मिला के रखते हैं। आम आदमी पार्टी अज चुप क्यों बैठी है? सिद्धांतिक गल्लां करन वाली पार्टी अज चुप क्यों बैठी है? क्योंकि ये थोड़ा साथी सी, थोड़ा हमसाया सी पिछली असेंबली इलेक्शन, आने वाले भविख दे विच तुसी इहनू किते ना किते अपने नाल ब्लॉक फसाना चाहते हो। कैप्टन साहब चुप क्यों है? क्या ये गल्लां सच्ची हैं कि कांग्रेस नाल रल के ऐतकी इलेक्शन लड़न दी इहनां दी ब्यौंत बनी हुई है? क्यों ये FIR नहीं हुई? क्या कैप्टन सरकार मौका दे रही है बैंस ब्रदर्स नूं कि इस औरत नूं डरा लैन, धमका लैन, लुभा लैन, पैसे दे लैन, इहदी आवाज़ दब देन, मसल आउट कर देन? जिस दिन यह कंप्लेंट दे के जाती है कमिश्नर नूं, परसों सवेरे शाम नूं इहनां दा भरा उहदे घर दे बाहर खड़ के 20 फोन करदा उहनूं बाहर बुलांदा है। पब्लिक डोमेन च है उहदी स्क्रीनशॉट। ये इन्ना ही नहीं है, फिर वो बाप को जाके दसदा तेरी कुड़ी ने आ की किया, बदनाम होंगे। वो बाप तो भरा नहीं सी पता, उन्होंने भी ये अगेंस्ट करने की कोशिश की, ये बावजूद कुड़ी दलेरी नाल कल बयान दे के गई है। व्हाट्सअप इन्हे तो इन्हों भरा दे सिमरजीत सिंह लगातार हैलो आए कादे लई बुलाते हैं? दफ्तर च पहुँच जा, पिछले दफ्तर च बैठ जा, मैं आ गया, फिर अज कि आवा, अज भाभी, अज भाभी घर आ जा। कड़ा भाभी की है? वो कुड़ी ने बयान दिते हैं, लाइव होके स्टेटमेंट दिती है कि भाभी दे नाल भी इन्हां दे रिश्ते अजीब हैं। भाभी दे मुंडे नूं इस कुड़ी दे सामने सोडमनाइज किया, इस कुड़ी दा फिर रेप उस मुंडे दे सामने किया कि वह दोनों एक दूजे अगे नंगे होण, शेयर ना करन। इन्नी करौनी हरकत, रेप तां कोई करदा सुनिया? इस सैडिस्टिक प्लेयर्स लैंदा सैक्सुअल असॉल्ट करन दा। ये लगता है कि एक हबिचुअल सिक मैन है। एंड इहदा भरा की कहिंदा है? उसनों चेहरा तो दिखा दिओ, मुखड़ा तो दिखा दिओ, फेस ते तो आ जाओ, ये की चल रहा है? ये कहना चाहते हैं कि मैं पानिया की लड़ाई बिढ़ी है ता आया बैंस साहब? ये 6 महीने तो जिहड़े हाए ते भाभी दे घर ते बलजिंदर कौर नूं भेजदे सी, इहना पंगा ना लई, बैंस तां इहदे थिले ही रहो इस ढंग नाल। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये अनप्रेसिडेंटेड केस है इंडियन इतिहास, पंजाब के इतिहास, कि प्रॉम्प्टली केस रजिस्टर ना किया हो, इस लेडी नूं प्रोटेक्शन ना दिती हो। कितना रौला पाते सी यूपी दे केस का। कैप्टन साहब 5 दिनों दे विच तुसी चलान दिता एक केस का, रेप का, पंजाब का, जे इहनूं हफ्ते च दिओगे तां तुहानूं मन्नांगे, नहीं तो यू आर कंप्लिस ऑफ दिस मैन, थोड़ी साठ गांठ है इस क्राइम्स दे विच। तो मैं तो यह भी डिमांड करूँगा कि इहदी ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए, इहदी वैल्थ कित्थों आई है, कित्थों इन्हें इन्नी वैल्थ की है? कैप्टन साहब की जे विजिलेंस विभाग हथ ते हथ धर के बैठा है तो सेंटर गवर्नमेंट को बेनती करांगे थोड़े माध्यम तो कि उन्होंने इन पर एक्शन लेना चाहिए। इन्हों की ग्रोथ ऑफ वैल्थ डेफिनेटली असर्टेन करनी चाहिए है। एंड मैं समझदा कि जे इमीडिएटली इहदे ते केस रजिस्टर होके नूं अरैसट नहीं किया जाता, इट मीनस ईवन इत्थे दी लोकल कांग्रेस लीडरशिप नहीं, एंटायर लीडरशिप ऑफ कांग्रेस इन्हां दी कंप्लिस है, ते इन्हां दे नाल किते ना किते रली हुई है। सो ये अनफॉर्चुनेट होगा जे इस किस्म के दरिंदे नूं लगाम नहीं पाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडी 3 दिन तो बेचारी धक्के खांदी फिर रही है। लेडी दे नाल कोई पॉलिटिकल बंदा तो कोई नहीं गया, अपने आप गई। ये तो पंजाब का माड़ा केस की हो सकता है कि वह दस दस दियां ठोकरां खा रही है तो परचा दर्ज नहीं हो रहा। इहदा मतलब यह है कि सरकार भी होर भी सारे रले मिले ने,
जे मैं समझदा इस लेडी नूं भी इंसाफ नहीं मिलता तो आने वाले समय से असीं आस ना रखिए, चाहे कोई प्रेस होवे, चाहे कोई पोलिटिकल बंदा होवे, चाहे कोई होर बंदा होवे, जिन्हें कोई इंसाफ मिलती आस। तो मैं समझदा सारियां गल्लां गरियाल साहब ने, गंभीर साहब ने, कांडा साहब ने तुहाडे नाल कीतियां ने, ये बहुत बड़ा केस जनता के सामने आया। सामने भी जेडे तकरीबन हरेक के घर के बट्टे मारते, हरेक के घर के जाके बट्टे मारते सीगे, कि अज जो उन्होंने कोई बट्टा नहीं किसी ने मारिया, अज तो लेडी बेचारी आप दर दर ठुकरा खा रही है। तो ये केस हर हालत के बिना देरी तो रिश्ता होना चाहिए, और जी लेडी है उन्होंने बेचारी इंसाफ मिलना चाहिए। जो लेडी इंसाफ ना मिले तो अभी रास न रखिए किसी को इंसाफ। मैं एक गल इतने होर कहनी चाहना कि आ चैट है जी टांडा साहब ने तुम दिखाई है, चैट जी चैट बिटवीन दिस लेडी एंड बैंस है, ये 18-20 सफ़ियां दी है, एक दिन की नहीं। जे ये हुण दसण बैंस साहब कहिंदे है कि राजनीतिक शोषण हो रहा है सरदार सिमरजीत सिंह जी, जे राजनीतिक शोषण करने वाली सी आप 6 महीने दे दिंदे नाल क्यों ये जारी पाई हुई सी, आ क्यों मैसेज इहो जिहे कर रहे सी, जिहड़े परसनल फ्रेंडली मैसेज हुंदे आ क्यों कर रहे सी, जे ये ओपरी सी, जे ये राजनीतिक खेड खेड रही सी ते अपनी इन्नी सांझ क्यों, क्योंकि एक हद तक हुंदा कोई बंदा ज़्यादती नूं टॉलरेट कर सकदा। जद उस औरत दे सिरों पानी लंघिया, मैं एक गल इत्थे होर भी बड़ी तुहाडे सामने क्लीयर करनी चाहुंदा है, ये जिहड़ी राजनीति कहिंदे आ श्रोमणी अकाली दल 2 दिन दा चुप बैठा सी, पर जद अज असीं देखे आ कि उस बच्ची ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, असीं उदों बाद फिर मन च बनाया कि देखो किड्डी वह डेस्परेट औरत है, किड्डी वह फ्रस्ट्रेटेड औरत है, किड्डी वह बेचारी इस वेले हालातों के घिरी हुई औरत है, जिन्हें कहा कि जे मैं इंसाफ ना मिले मैं सुइसाइड कमिट कर। मैं एक गल बहुत स्पष्ट कर देनी चाहना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, सरकारां पोलीटिकल बंदे कुछ गलत कराउण ना कराउण आखिर जिहड़े नहीं करदे भुगतनियां उन्हां नूं पैंदियां ने। समय नाल रिस्पोंसीबिलिटी वो अफसरां ते आउंदी आ जिन्हां दी जिम्मेवारी बनती है कि एक काम किया जाए तो नहीं करनगे। मैं उन्हां नूं इस गल की बेनती भी करदा ते इस गल की चेतावनी भी दिंदा कि सरकारां हमेशा इक्को नहीं रहिंदियां हुंदियां, समय इक्को नहीं रहिंदे हुंदे, ये लेखे जोखे होणगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिहदे विच लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ये टाइम बाट नहीं होना, समा पैण ते केस रजिस्टर होना, ट्रायल कोर्ट छोड़नी है। इमानदारी सरकार की जिम्मेवारी, सरकार की इंसानियत, सरकार का औरत प्रति रिस्पैक्ट अज स्टेक ते है। जे वो इस केस विच एक हफ्ते के अंदर अंदर चलान पेश करके स्पैशल कोर्ट तो विद इन 1 मंथ ट्रायल नहीं करवाते तो यदा मतलब है कि जो कुछ सरदार सिमरजीत सिंह बैंस ने किया गौरमेंट की प्रोटैक्शन तहत किया, गौरमेंट उस गल की पार्टी है। जिवें हरीश राय जी ने कहा कि असी तो कहांगे कि वह इस कॉन्सपरेटर ने इस गल विच, ते एक गल बड़ी स्पष्ट है जे कहो कल आशू दे बचाया बच गया, शायद आशू दे आखे कल इन्ना दा नहीं बचाउंदे, इहदा मतलब उपरों भी कांग्रेस रली हुई है। आशू नाल तो जारी जग जाहर है क्योंकि टैरोरिस्टा नूं उह सामदे रहे, टैरोरिस्टा नूं इह सामदे रहे, वह गल नहीं। एक गल बहुत जिम्मेवारी नाल अज श्रोमणी अकाली दल मंग करदा है कि अकाली दल विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। अकाली दल मां पार्टी है पंजाब की, असी हर गल उत्थे तक कानून के दायरे में रहिंदे हुए लिजावांगे जिथे बच्ची नूं इस नूं इंसाफ मिले। मैं एक जब वकालत करदा सी उदों दी तुहानूं इत्थे कन्विक्शन होई है केस विच रेप दे, ते जज साहब ने इक्को ही गल ते लिखती कन्विक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रही कि मैनू इस गल का जवाब दो। मुलजम के वकीलों नूं कहण लगे, वो कहण लगे जी कि ये बुढ़े ने, न्याणी है, वो 55 साल के ने, 19 साल की है। जज साहब कहण लगे कि मैनू इस गल का जवाब दे दो कि सारे शहर विचों ये सारे पिंड विचों बच्ची ने इन्हां दे नां क्यों ने, इहदी एक्सप्लेनेशन दिओ, दसण एक्सप्लेनेशन देण कि इस औरत का की उन्होंने नाल इन्ना टकरा सीगा कि उन्होंने इन्ना लिया। नाले जेड़ा चार्ज लगे तो मैडिकली प्रूव हो जाना, क्यों नहीं करवाते मैडिकल, क्यों नहीं ये गल सामने लियांदे, नार्को एनालिसिस होणगे, क्यों नहीं दुद्ध दुद्ध पानी करते। इस गल विच मैं एक गल स्पष्ट कर देनी चाहुंदा कि बैंस साहब बथेरे एक्सप्लॉइट कर लिया लोगों, पहला तो अज पहला वड्डा पुन्न ये करो केस रजिस्टर होने तो पहला
लोग धक्का पार्टी रख लो ये ना लोग इंसाफ मिटा दो इंसाफ वाली गल तो हिस्टरी चो मुक गई। मैं अज होर गल नहीं करनी चाहता साढ़े को बाद कई टैलीफोन आए हैं जिद ने ज्यादतियां दसिया ने कि जोड़ा इन्हों का दफ्तर आ इंटेरोगेशन सेंटर है उत्थे बुला के किमें धक्के करते हैं लोगों के नाल फिर करांगे गल अज सिर्फ असी इत्थे केंद्रित रहण दिंदे आ। एक ऐड करा इन्हां दे गनमैनज़ नूं पता है वह कहिंदे जे भाभी दे कमरे की बत्ती बंद हो गई कहिंदे लो जी कम चालू हो गया। एवरी वन नोज बच्चा बच्चा जानदा सीधे करते हैं कि छित्र खा के करते हैं ये देखना करना पैना। तीन दिन हो गया अज तीसरा दिन है परसों मिली थी लेडी कल कल भी कुछ नहीं होया अज भी कुछ नहीं होया अगर नहीं करते तो फिर अकाली दल गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगा प्रेशराइज करने लिए की स्टेप है ऑल मींस व्हिच आर अवेलेबल टू अस वी विल टेक इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑल एंश्योर जस्टिस टू द लेडी बच्चिया को इसलिए मैं तेरा फोन नहीं चक रही साडे गरीबां दा भी ध्यान कर लो एदा भरा कहिंदा है ये की है व्हाट आर दीस मैसेजेस कहना भाई है आप भरा दा करमजीत करमजीत आ ओदियां फोटोआं ओदे मैसेज हैं ओदे लेडी कोल सेव्ड हैं इन्हें कई डिलीट किते हुए हैं मैसेज जिहड़े गंदगी दे होने हैं ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਫੋਨ ਦੇਣਗੇ ਦੇਣ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲੂਗੀ ਨਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੋਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਸਤੌਲ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਊ एनी क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड पर्टिकुलरली मोलेस्टेशन एंड रेप देयर नीड टू बी नो इनक्वायरी मर्डर अटैम्प टू मर्डर उन्होंने 5 दित्तियां इकनोमिक ऑफेंसेज आ सिर्फ जिते मैं ऐड करदा इनक्वायरी शुरू होंदी है FIR दे बाद उदू पहला कोई इनक्वायरी नहीं पहला एक गल सुन लो जिथे पुलिस नू शक होवे कि शिकायत दे विचों ऑफेंस की बनदा है उन्हूं कोख सकदे हैं हाँ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 420 ਤੇ 467 ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਆ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਫੈਂਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੈ 6 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ के कंटेंप्ट कर रहे हो तुसी केस नहीं रजिस्टर कर रहे वी विल रिसोर्ट टू दिस प्रोविजन कौन बचा रहा है देखो एदे च सरकार बचा रही है राणा जी बचाउण दा हले शक रह गया राणा जी बचाउण दा शक रह गया आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोली जी मिंट च अड्डियां चक लैंदी है टटीरी वांगू की समान साडे सराणे कड़ा क्यों सुते पए ने क्योंकि 2017 च ते फिर 2022 दी भी झाक है कि शायद साडे बन ने ते हुण जिवें कांग्रेस नाल गांड सांड चल रही है कांग्रेस भी सुती पई है आशू नाल तां परसनल समझौता ना लुधियाने लैवल ते कि तू साडा विरोध ना कर असी तेरा विरोध नहीं करदे तेरे कोल अतवादी ठहरे पैसे धर के तू नहीं बोलदा साडे कोल ठहर गए असी गुड़ मंडी च बंडे मरवाते तू ना बोल बोलिया कोई मैनू एक गल दा जवाब दे दे काले दे ते आशू दे वार्ड च क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा कीता क्यों नहीं कीता एक गल बदनाम कर रहे सानू होर कोई मेरी गल सुन बदनाम मेरी गल बदनाम बदनाम तां होणगे नहीं करतूतां माड़ियां ने बंदे नूं कौन बंदा बदनाम कर सकता है मेरी गल सुनो आ तुसी इन्ना ही कर लो इन्हां नूं कहो कि आ 24 घंटिया च आ मैसेज वेरीफाई कर लैण कि उस लेडी ते इहदे भरा ते इहदे विच एक्सचेंज नहीं होए पिछले 6 महीनिया च जे होए आ तां सांझ की सी ਜਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਰੀਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ
मेरी गल सुनो जे कांग्रेस नहीं, मेरी गल सुनो, जे कांग्रेस नहीं बचा रही, कांग्रेस केस करे रजिस्टर, कांग्रेस केस रजिस्टर करके अरेस्ट करके तफ्तीश सीबीआई नू दे देवे। जद सुप्रीम कोर्ट ने एक गल कही हुई है कि जेड़े पोलिटिकल बंदे हीनियस क्राइम च इनवॉल्व ने उन्हां दे केस तीन महीनों विच डिसाइड होने चाहिए है। इतने तीन दिन च यह फैसला नहीं होया कि केस रजिस्टर करना कि नहीं करना, कौन बचा रहा है? एक गल निकली कि 6 महीने तो जिहड़ा हैरेसमेंट चल रही थी, 16 नवंबर नूं ही कंप्लेंट क्यों की गई? 6 महीने जद फाइनल सट वज गई। देखो औरत नूं इज्जत भी प्यारी हुंदी है छोटे वीर, जद सिरों पानी लंघ जे बंदा कहिंदा हुण भी समझू। एक ये नहीं गा कि वह वकील को आई तो वकील ने अपने फैक्ट्स नरेट करते, तो वकील ने दरखास्त लिखती, दो गल्लां कानूनी दायर च लियाउण लई कोल ऐड करतीआं, कमिश्नर दे कोल बह के लिखी। हाँ, आ परसनल कंप्लेंट है, हाथ च लिखी हुई है, सीधी गल है। परचा रजिस्टर करन जे सिमरजीत सिंह बैस इस गल नूं साबित कर दे झूठी कंप्लेंट है, प्रोसीक्यूट होगी फॉर फाइलिंग ए फाल्स कंप्लेंट। उन्होंने जो इंटरव्यू किया गया, मैं उन्होंने ये चीज़ पूछी सी कि तुसी पहला क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने ये चीज़ कही कि मैं अपने पैसे कटवाने सी, इस करके मैं सैलरी। मेरी एक सुनो, मैं तुहाडी गल दा जवाब, किन्ने इंपोर्टेंट केस होए ने रेप दे, किन्ने इंपोर्टेंट बंदिया दे खिलाफ होए ने, किन्ने रिलीजियस लीडरां दे खिलाफ होए ने, किन्नी किन्नी देर बाद रजिस्टर होए, ट्रायल होई, झूठे निकले के सच्चे निकले, कन्विक्शन हुई कन्विक्शन। देखो प्रेशर वो दसिया ना राम रहीम वाले बच्चिया ने कि साढ़े दे प्रेशर सी कि जो परचा कराओगे मार देंगे, प्रेशर सी इन्हों का। वो तो जब बंदे दे सिरों पानी लगता कि ये मरना पसंद एक्सैप्ट कर लेंदा बंदा उदो कर दिंदा। डबल स्टैंडर्ड तो मोह जी थोड़ी बहुत छोटी चीज़ है, इन्हों का स्टैंडर्ड ही कोई नहीं, कोई पता नहीं कदों की वार कर दे। ये भी हो सकता है कि नहीं कई दिन तो रौला पाती सी, भी हो सकता है इन्हों भी हम साढ़े मीडिया इस करके यात्रा शुरू कर ली हो इन्होंने। गाबड़िया साहब नहीं, मैं जवाब दिना, ये गाबड़िया साहब की फराक दिली सी कि पार्टी के फैसले दी, असी तो 30 साल के कट्ठे हैं ना, आ गल अज मैं पता लगी इन्होंने, इन्हों की चोरी बिजली बुजली वो तो दसी हुई है पहला, आ गल कार वाली अज दसी है, बंदा कहता कि चलो घटिया गल असी क्यों करिए। मैं जाति कदे नहीं अटैक किया, जमाती करते रहे हैं, जाति का बहुत कुछ निकलूगा, मैं ही दसूंगा कि कुछ होंगे रहा इतने, मैं दसूंगा कदे ना कदे, पर जमाती तौर पर लड़ाई लड़ते अं राजनीतिक लोग हाँ, अं जाति नहीं किसी अटैक करते, जाति का बहुत कुछ इन्हों का। देखो तुसी जिन्ने सवाल पूछे हैं ना, ये जिहड़े स्मार्ट बंदे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना लेडीज़ की, पहला इहदी प्रॉपर्टी खाली करवाई बैंस साहब ने, कब्जा दवाया बैंस साहब ने, बिकवाई बैंस साहब ने, जब पैसे नहीं मिले फिर उन्होंने पैसे दवाने किश्तों से शुरू की, हर किश्त तो पहला एक्सप्लॉयट करता, कवरां ते कब्जे, और रब जाने उसकी की मजबूरी सी, उहदा घर वाला मर चुका सी, दो नाबालिग बच्चे सी, वो की सहंदी रही, उन्हें अल्टीमेटली देखा कि मेरी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उन्हें पुलिस नूं कंप्लेंट की, पुलिस ने उहदी 60,000 रुपए जिहड़े रहिंदे सी यक लख्त दवाए, वो बैंस क्यों नहीं दवा सकता, जब यक लख्त दवाए उन्हें अपनी कंप्लेंट वापस ली, जिन्हों हूँ बैंस साहब सोशल मीडिया च पा रहे हैं इन्होंने बंदे कि तो अपनी माफ़ी मंग चुकी है, नो उन्हें उस बंदे दे खिलाफ कंप्लेंट वापस ली, फिर उन्हें इमीडिएटली रियलाइज़ किया कि मैंने कितना लंबा अरसा मेरी सैक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जलालत पाबी दे कार पाबी दे जवान मुंडे दी हाजरी दे विच कुकर्म करना, फिर उस मुंडे नाल कुकर्म इहदी हाजरी च करना, इमेजिन करो किस हद तक दरिंदा है इंसान, तो छोड़ो सिख मेंटेलिटी है, ये वो है जिहड़े सीरियल बच्चियां नूं फड़ फड़ के करते हैं, वो मेंटेलिटी का मालक सिद्ध हो रहा है, ये रीज़न है कि वह लेडी ने क्यों डिले किया, इहनूं फिर डराया गया तेरे ते तेरे बच्चे, बलजिंदर कौर इन्हां दी प्रधान है कि तेरे ते तेरे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे जो तू बैंस दे नाल पंगा लेंगी, किड्डा बड़ा इंसान है रियलाइज करो, जिहड़ा बंगार दा रोज़ हर पोलीटिकल पार्टी के लीडर नूं जिहड़ा बंगार बोलदा है, कदे इस बंदे ने अज तक मैनूं दसो कोई लड़ाई लॉजिकल एंड ते लैके गया, एक बंब चलाने वाले दे अगेंस्ट बोलिया, जिन्हें गुड़ मंडी च बंब चलाए आशू ने, जिन्हें मर्डर करवाए औरतों के मर्डर करवाए, जिन्हें अपने घर पनाह दी, क्या इशू नहीं सी बोलने लई,
क्या पूरा राशन खादा गया? इसलिए नहीं बोलिया इनू चार ट्रक राशन भेजते एस डी एम ईस्ट तो इनू पहुँचाए गए राशन, किसी होर नू पहुँचाए आशू ने राशन ट्रकों के ट्रक। तुसी रिलाइज करो कि किसका माफिया स्ट्रोंग है, क्रॉस पार्टी एदियां लिंक्स हैं एंड हरेक नू एक्सप्लॉयट करता है बंदा। ये दिन हुण खत्म हो गए हैं, मैं फील करदा हां। ये बाद न्यूमरियस होर कंप्लेंट्स आन गियां, मीन टू आन गियां। इस बंदे दे थ्रू मैं सेक्सुअली एक्सप्लॉयट हुंदी रही हां, उन्हें कंप्लेंट वापस, वो कंप्लेंट वापस ली इस बंदे करके। किहदे खिलाफ वापस लिया? अगेंस्ट हिम, not against others. It was not complaint against others. Try to realize the pressure of a lady. Oh, police nu complaint dindi hai, bains da naam nahi likhdi. Tusi dar ta khauf ta dekho, kinna khauf hai inna da. Karpana de naal eh banners paad dende hain dujiyan de, danga pher pher ke lokan nu kutde hain. Inna de mahalle de vich koi plot nahi khareed sakda. Harek da gurj chalande hain. Kya ek aurat inna de might nu fight kar sakdi si? You don't realize. सिचुएशन करो ओदी प्लाइट के किस प्लाइट दे विच ओदा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होया। ऑब्वियसली सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, ही हैज बीन सरवाइविंग विद दिस इलीगल एक्टिविटी इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं सर, जिस जवाना ने कहा कि ब्लैकमेलिंग दे विच एक्सपर्ट चाहिए, क्या ब्लैकमेलिंग दे विच गए जेडी एडमिनिस्ट्रेशन उस काम कर गई? तुसी कॉर्पोरेशन दे मुलाजम नु जाके पुछो, मैं दा जवाब दे रहे हैं किद्दा एक्सप्लॉयट करदे हैं। ये हरेक दे गलत काम कीते दे कागज कोल रखदे हैं, फिर उन्होंने एक्सप्लॉयट करते हैं। किदा इन्होंने सिखों के खिलाफ झूठा ट्रैप केस बनाया सी, थोड़े सामने नहीं है की नहीं है करते तहसीलदार के खिलाफ कि इन्होंने पग अपने घर ला के नहीं रखी हुई किसी के सखे हैं? जाली स्टाम वेचते होंगे ही, जाली स्टाम लिया लिया के रजिस्ट्रियां कराते होंगे ही। जब मैं मैं जी एक मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कई हो गया, मैं दसूँ, मैं सारा पिछोकड़ दसूंगा, मैं दसूँ सारा पिछोकड़, मैं दसूंगा। जाली स्टाम वेचते होंगे ही तहसीलदार ने और रजिस्ट्रियां रोकती भी, ये जाली स्टाम मैं नहीं रजिस्ट्रियां करनिया। जवाब दे रहे एक सैकंड। देखो गाबड़िया साहब ने बिलकुल हाजमे च रखिया गल क्यों नहीं कीतिया? एक चंगे सिटीजन का काम है, क्योंकि ज्यादे है सब कुछ है नहीं सी, कुछ भी जब कुछ भी नहीं सी उदो इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से उन्होंने प्रोटेक्शन दी। ये नहीं सी चाहते कि मेरे मूहों उन्होंने बारे कोई गल निकले। देखो तुसी एक बंदे की जड़ी शराफत है, एक फराक दी ली है कि उन्होंने औगन टकी रहे। अज इन इलेक्शन भी बोल सकते नहीं बोले ना, अज क्यों बोलना पे है? ज्यादे है जुलम दा लिमिट्स क्रॉस करके ता बोले ने। जे तुसी अज औरत दा केस ना हुंदा शायद फीएट कर वाला भी ना दस दे कि चलो कर छड्डो, जेड़ा जेड़ा कोई करूगा भरूगा। मैं तुहानू एक गल जरूर कह देनी चाहुंदा कि आ जो गाबड़िया साहब ने कहा चोरी तो नहीं किया, ऑन पब्लिक रिकॉर्ड किया ना, ऑन इलैक्ट्रॉनिक मीडिया किया। जे उन्हां च दामा की गाबड़िया साहब की गल सच्चाई ने, इन्हां जिथे मर्जी चैलेंज करके काउंटर प्रूफ दे देने, गाबड़िया साहब सबूत दे के तुहाडे सामने किन्ना कहेगा। मेरा मतलब एक गल नहीं, जे कोई गल्लां हुण मैं आ कई पोलीटल गल्ला होंदिया ने जड़िया तुम्हें कई दफ़ा अपने का छाती ला के रखनिया पैदा कि चल अगला कहूँ यार तुम क्यों कर गल करे रहे। जे तुम कहो कि उन्होंने ना दसन करके साध बन गए, वो गल नहीं हुई बिल्कुल। अल्टीमेटम यह है राणा जी, सरकार अल्टीमेटम नहीं, पर असी एक गल गरंटी कर देंगे, गरंटी सरकार को मजबूर कर देंगे। सानू दरवाजा जिथे भी खड़का पिया, असी क्यों नहीं बोले अज तक, असी क्यों नहीं बोले अज तक कि ये ना किसी नू गल शक पवे कि अकाली दल नू पोलिटिकलाइज कर रहा। अज असी फैसला जदों बच्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो उन्हें अपनी हेल्पलैसनैस दिखाई, मजबूरी जाहिर की, इतने तक कहा कि मैं सुइसाइड कमिट कर लूँ। उदू बाद असी सारिया नाल एक दूजे नाल राबता करके फैसला किया कि हुण जे असी चुप रहांगे इस गल तो डरते हुए कि पोलिटिकल ना बन जाए तो फिर असं अपनी जिम्मेवारी तो भज रहे हैं। पर बैंस साहब तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, पीड़िता बैठी होंगी प्रेस के सामने
ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ MLA ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ? ਨਾਲੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 10 ਇੰਪਲੋਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹ ਲੈਡੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਲਾਅ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 354B ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ ਕੰਟਿਊਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫੜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ MLA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ MLA ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA 14 ਨੇ MLA ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਪੂਰੇ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੋਲਾਪੁਰੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਉਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀਏ? 6 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀਏ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲਾਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਗਰੰਟੀ ਦੁਕਾਵਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ.ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।